कंप्यूटर परिभाषा विकास और प्रकार। इस वीडियो में कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर के प्रकार। ये दीदी आ गई, ये दीदी आ गई, दीदी आ गई, आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। क्या बात है बच्चों, आज तुम सब बहुत खुश लग रहे हो। दीदी, अपने स्कूल में आज टीवी आए हैं, अब तो हमें स्कूल में ही टीवी देखने को मिलेगा। अरे खोजी, वो टीवी नहीं, कंप्यूटर है। कंप्यूटर? वो क्या होता है दीदी? बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः उन स्थानों पर होता है जहां कार्य तेज एवं अधिक मात्रा में किया जाता है। तुम्हें पता है, कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम सन 1833 में सर चार्ल्स बैबेज ने दी थी, इसलिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। दीदी, ये सर चार्ल्स बैबेज कौन थे? बच्चों, सर चार्ल्स बैबेज एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऐसे यंत्र की परिकल्पना की थी जिसमें आर्टिफिशियल मेमोरी हो, यानी कि उसमें कृत्रिम याददाश्त हो और जिसमें दिए गए प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेसिंग की जा सके, अर्थात जो हमारे निर्देशों को समझकर उनके अनुसार स्वतः कार्य कर सके। मतलब दीदी, पहला कंप्यूटर उन्होंने बनाया था? नहीं सवाली, उन्होंने 40 वर्षों तक अनेक प्रयास किए, लेकिन उस समय इतने विकसित यंत्र बनाने के लिए तकनीक या मशीनें विकसित नहीं हो पाई थी और न ही बिजली की सुविधा उपलब्ध थी, इसलिए वो इस यंत्र को नहीं बना सके। लेकिन उन्होंने ऐसा यंत्र बनाने की सोच वैज्ञानिकों को दी। दीदी, कंप्यूटर के बारे में और बताइए ना। बच्चों, तुम्हें पता है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। इसका मतलब है पहले कंप्यूटर को एक गणन युक्ति या कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है जो अंकीय यानी न्यूमेरिकल और तार्किक यानी लॉजिकल संक्रियाओं यानी ऑपरेशन को तेजी से कर सकता है। लेकिन आजकल इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई क्षेत्रों में हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो निर्देशों के एक सेट, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इसके बाद ये परिणाम का प्रदर्शन या प्रिंट करता है। ये आंकड़ों यानी डेटा को स्वीकारता है, उनका भंडारण और उनमें हेर फेर भी करता है। अरे वाह दीदी, कंप्यूटर तो बड़े काम की चीज है। हाँ सवाली, लेकिन आज हम जो कंप्यूटर देखते हैं, पहले कंप्यूटर वैसा नहीं था। पहले गणना करने के लिए यांत्रिक युक्तियों यानी कि मैकेनिकल डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता था। तुम्हें पता है बच्चों, अबैकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। अबैकस क्या होता है दीदी? बच्चों, ये एक चौकोर लकड़ी का ढांचा होता है जिसमें तार लगे होते हैं और इन तारों पर गोलियां घूमती हैं। ये गिनने के काम आता है। तो दीदी, फिर इससे आधुनिक कंप्यूटर कैसे बना?
बच्चों, अबैकस के बाद पास्कल, लॉरेंस, जैकब, एंटा सॉफ्टबेरी कई डिवाइसें बनाई गईं, लेकिन किसी में भी मेमोरी नहीं थी। इसके बाद चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया और उसमें मेमोरी डाली। इसके बाद ही आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। ENIAC, ENIAC, ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तुम्हें पता है बच्चों, निर्माण में प्रयुक्त तकनीक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को 5 जेनरेशन में बांटा गया है। प्रथम जेनरेशन 1945 से 1955 तक थी, जिसमें निर्वात नली यानी वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग किया गया था। द्वितीय जेनरेशन 1955 से 1964 तक थी, जिसमें ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग किया गया था। तृतीय जेनरेशन 1964 से 1975 तक थी, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का उपयोग किया गया था। चतुर्थ जेनरेशन 1975 से 1989 तक थी, जिसमें प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। फिर दीदी, आज के कंप्यूटर की कौन सी जेनरेशन है? बच्चों, आज का कंप्यूटर पंचम जेनरेशन का है, जो कि 1989 से प्रारंभ हुई थी। इनमें आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। और बच्चों, पता है, आधुनिक कंप्यूटर भी उनके आकार और कार्य करने की क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। हैं दीदी, कंप्यूटर भी अलग अलग होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये? बच्चों, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और आकार तथा कार्य के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। दीदी, और बताइए ना इनके बारे में, मजा आ रहा है। अच्छा, चलो एक एक करके इनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बताती हूँ। बच्चों, एनालॉग कंप्यूटर ऐसी भौतिक राशियां जैसे ताप, समय आदि के बदलते रहने के गुण के आधार पर कार्य करता है। जैसे एक मर्क्यूरी थर्मामीटर वस्तु के संपर्क में आने पर थर्मामीटर में उपस्थित पारा गर्म होकर फैलता है और वस्तु का सही ताप बताता है। एनालॉग कंप्यूटर्स का उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। और दीदी, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? बच्चों, डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो द्विचर यानी बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं। और पता है बच्चों, अधिकांशतः कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। और बच्चों, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि मेल होता है। मतलब दीदी, हमारे यहाँ जो कंप्यूटर लगा है वो डिजिटल कंप्यूटर है ना? हाँ खोजी। चलो अब तुम्हें माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बताती हूँ। बच्चों, माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं और ये धीमी गति से कार्य करते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें एक CPU, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक माउस होता है। दीदी, ये CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं?
बच्चों, ये कंप्यूटर के अलग अलग भाग होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें मिनी कंप्यूटर के बारे में बताती हूँ। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा तथा अधिक क्षमता का होता है। इसकी कार्य करने की गति और आंकड़ों की संग्रहण क्षमता अर्थात इकट्ठा करने की क्षमता भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। और बच्चों, हमारा तीसरे तरह का कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है और इनकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग बैंकों, बड़ी कंपनियों और सरकारी विभागों में किया जाता है। तो फिर तो दीदी, सुपर कंप्यूटर तो और भी बड़ा और तेज होता होगा। हाँ खोजी, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े आकार के होते हैं। ये तेज होते हैं और इनकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर में बहुत सारे सीपीयू होते हैं जिनके कारण ये तेज गति से कार्य करते हैं। तुम्हें पता है बच्चों, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को परम नाम दिया गया है। परम श्रृंखला में अब तक कई सुपर कंप्यूटर बन चुके हैं। अरे वाह दीदी, हमें तो पता ही नहीं था कि कंप्यूटर इतने प्रकार के होते हैं। आप तो समझ गए ना? हाँ दीदी। तो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। तो बताओ कंप्यूटर क्या होता है? दीदी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो निर्देशों के एक सेट, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इसके बाद ये परिणाम का प्रदर्शन या प्रिंट करता है। ये आंकड़ों को स्वीकारता है, उनका भंडारण और उनमें हेर फेर भी करता है। अब बताओ, कंप्यूटर की कितनी जेनरेशन है और कौन कौन सी? दीदी, निर्माण में प्रयुक्त तकनीक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को 5 जेनरेशन में बांटा गया है। प्रथम जेनरेशन 1945 से 1955 तक थी, जिसमें निर्वात नली यानी वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग किया गया था। द्वितीय जेनरेशन 1955 से 1964 तक थी, जिसमें ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग किया गया था। तृतीय जेनरेशन 1964 से 1975 तक थी, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग किया गया था। चतुर्थ जेनरेशन 1975 से 1989 तक थी, जिसमें प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। पंचम जेनरेशन 1989 से प्रारंभ हुई थी, इनमें आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। शाबाश बच्चों। अच्छा बताओ, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दीदी, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और आकार तथा कार्य के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अच्छा अब बताओ, हाइब्रिड कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? दीदी, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और दीदी, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये तेज होते हैं और इनकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर में बहुत सारे सीपीयू होते हैं,
जिनके कारण ये तेज गति से कार्य करते हैं। अरे वाह बच्चों, तुम लोग तो सब समझ गए। तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।